केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियोजित रोजगार प्रदान कार्यक्रम के तहत आज रेल विभाग नागपुर के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आदेशानुसार रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां नागपुर रेल विभाग में लगभग 104 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विशेष रूप से मौजूद थे। इस रोजगार मेला कार्यक्रम के अवसर पर विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत ADRM PS खैरकर, श्रीकांत चंद्रिकापुरे, रुपेश चांदीकर और नवनियुक्त 104 कर्मी आदि विशेष रूप से मौजूद थे, जहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्त हुए लगभग 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नौकरी पाने वाले सभी व्यक्तियों को भी संबोधित किया। यह रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस पहल का समर्थन करने वाली केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। नवनियुक्त नियुक्तियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां कभी भी किसी भी डिवाइस सीखने के प्रारूप के लिए 750 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। रेलवे भी एक्सपांशन बड़े प्रमाण पर हो रहा है, नए नए रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, एयरपोर्ट अच्छे बन रहे हैं, रोड अच्छे बन रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और हम देश की आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और प्रधानमंत्री का ये सपना है कि आने वाले समय में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, और ये उसी समय संभव होगा कि सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी सेक्टर में जब अच्छा काम होगा तो उसका अंतिम परिणाम हम दुनिया की एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमें विश्वगुरु बनना है और हम यही कहते आए हैं कि सबका कल्याण होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, और हमारा भाव यही होता है कि सब विश्व का कल्याण हो, और इसी भाव से हमारा देश, हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग विज्ञान, ये दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।